आजाद पासवान का हथियार है को फांसी दो आजाद पासवान का हथियार है को फांसी दो आजाद पासवान अमर रहे अमर रहे। अगर आजाद पासवान के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, अपराधियों की घरों की कुर्की जब्ती नहीं होगी, उनको निर्गत जो सरकारी लाइसेंसी हथियार है उसका लाइसेंस अगर रद्द नहीं हुआ, आजाद पासवान के जो परिजन है उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 50 लाख का अगर सरकारी मुआवजा नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में आजाद पासवान के न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के माध्यम से हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो बिहार के DGP हैं उनका भी आने वाले समय में घेराव करने का काम करें। धमकी भी दिया जा रहा है तो हम ये भी बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार प्रशासन से हमारा जो मांग है उसको पूरा करे, अन्यथा हम लोग संविधान आरक्षण को मानने के साथ साथ अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए मरने के लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो हमारे आजाद पासवान के परिवार पे आंख दिखाने वालों का आंख निकाल लिया जाएगा। दोस्तों, बीते दिनों बक्सर में, बिहार के बक्सर में जो है आजाद पासवान की हत्या जो है समंती सोच के लोगों के द्वारा की गई थी, और आपको बता दूं कि घटना को लगभग जो है महीनों दिन तक हो गए, लेकिन जो आरोपी हैं, जो आजाद पासवान के मारने वाले आरोपी हैं, अब तक जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन और जो OP राजभर की पार्टी स्वलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है पहली बार जो है एक साथ जो है आजाद पासवान के मुद्दे पर जो है सड़कों पर उतर कर जो है प्रदर्शन कर रही है। और इनका कहना है कि जो आरोपी है उसको जो है पकड़ा जाए, और लंबा समय तक जो है जो आजाद पासवान उसकी हत्या के बाद जो है पुलिस प्रशासन की लापरवाही दिख रही है, जिसके खिलाफ में आप देखिए कि तमाम लोग जो है सड़कों पर उतर कर आजाद पासवान के हत्यारों को फांसी को लेकर जो है सभी लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हत्या कर दी गई थी आज, इसको लेकर के हम लोग आज 25 दिन हो गए लेकिन एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर आज DM साहब और SP साहब कान खुलकर अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो बहुत जल्द ही बक्सर जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब का आगमन होगा और पूरे बक्सर को बंद करेंगे। हम SP है और नाकाम है, और उनसे यहाँ का पुलिस के कप्तान जो है SP, उनसे जिला का प्रशासन कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, ठीक है। इस वजह से अभी तक घटना बीते 25 दिन हो गए लेकिन अभी भी आजाद पासवान के जो हत्यारे हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। तो आज हम लोग आक्रोश मार्च के माध्यम से बक्सर जिला प्रशासन को और बिहार की सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि अगर आजाद पासवान के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, अपराधियों की घरों की कुर्की जब्ती नहीं होगी, उनको निर्गत जो सरकारी लाइसेंसी हथियार है उसका लाइसेंस अगर रद्द नहीं हुआ, आजाद पासवान के जो परिजन है उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 50 लाख का अगर सरकारी मुआवजा नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में आजाद पासवान के न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के माध्यम से हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो बिहार के DGP हैं उनका भी आने वाले समय में घेराव करने का काम करेंगे। देखिए, ये भारत में कोई नई बात नहीं है, जो दलितों की हक की आवाज़ उठाता है, जो दलितों की रक्षा सुरक्षा करने का काम करता है, जो दलितों पिछड़ों आदिवासियों के मुद्दे पे जो मुखर रहता है, अपने समाज का ढाल बन करके खड़ा रहता है, उसको नक्सली बता दिया जाता है। और कोई मुसलमान अगर अपने समाज की बात करता है तो उसको आतंकवादी पाकिस्तानी बता दिया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं, आजाद पासवान पूरे शाहबाद के बहुजन समाज के वो रक्षक थे जो हमेशा कहीं भी किसी शोषित को दबाया जाता था, किसी के घर को तोड़ दिया जाता था, कहीं किसी मनुवादी सामंतवादी के द्वारा उनको दबा करके उनके हिस्से के अधिकार को खत्म करने का काम किया जाता था। वहाँ पे आजाद पासवान खड़े होकर के ढाल बन करके अपने बहुजन समाज के ST OBC का रक्षा और सुरक्षा करने का काम करते थे। इसलिए मनुवादी शासन प्रशासन के जो लोग हैं आजाद पासवान को नक्सली बताने का काम कर रहे हैं। कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन आए दिन दलितों का हत्या तो हो ही रहा है। देखिए, सुशासन की सरकार अगर होती तो आजाद पासवान की हत्या नहीं होती बक्सर में, और सुशासन की सरकार होती मुजफ्फरपुर में रूपा का बलात्कार करके हत्या नहीं किया जाता। अगर सुशासन की सरकार होती
तो आए दिन जिस तरह की घटनाएं देख रही है, जहानाबाद में 3 साल की बेटी का बलात्कार हो जाना, हमारा जो प्रमुख मांग है कि आजाद पासवान के जो हत्यारे हैं और जो FIR में परिवार ने जो FIR दर्ज कराया उसमें जो भी नामजद लोग हैं उन सबको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो शासन प्रशासन के द्वारा उनके घरों का कुर्की जब्ती किया जाए और जो अपराधी हैं उनके घर में कई लोगों को लाइसेंसी हथियार निर्गत हैं उनका लाइसेंस रद्द करवाया जाए और जो पीड़ित परिवार है उस परिवार को 50 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिया जाए और उस परिवार की सुरक्षा के लिए अविलंब वहां पे प्रशासन के सुरक्षा कर्मियों का नियुक्ति किया जाए ताकि सुरक्षा कर्मियों का जो नियुक्ति होगा तो परिवार के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। चूंकि धमकी भी दिया जा रहा है तो हम ये भी बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार प्रशासन से हमारा जो मांग है उसको पूरा करे, अन्यथा हम लोग संविधान आरक्षण को मानने के साथ साथ अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए मरने के लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो हमारे आजाद पासवान के परिवार पे आंख दिखाने वालों का आंख निकाल लिया जाएगा। पुलिस को लग रहा है कि गिरफ्तारी के नाम पर लीपापोती कर रही है, बिल्कुल सीधे तौर पे दिख रहा है। घटना 25 दिन बीत गया और यहाँ एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, उनके घरों का कुर्की जब्ती नहीं हुआ, पुलिस बहाने बना रही है, सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बक्सर जिला प्रशासन मामले में लीपापोती करना चाहती है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली बार भीम आर्मी और स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी एक साथ प्रमुख बनी है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा यही कहना है कि आजाद पासवान के न्याय दिलाने के लिए चाहे किसी भी दल, किसी भी संगठन, किसी भी न्याय प्रिय समाज के जो लोग हैं जिनको लगता है कि आजाद पासवान बहुजनों की आवाज थे, वो सारे लोगों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब ने आजाद पासवान की लड़ाई लड़ने के लिए जो पहल उठाया है उसका स्वागत है और हम सब उम्मीद करते हैं कि हर न्याय की लड़ाई में मजबूती के साथ मिलकर लड़े। आजाद पासवान का हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। आजाद पासवान का हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। आजाद पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आजाद पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आजाद पासवान का हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। आजाद पासवान का हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। आजाद पासवान का हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। बक्सर एसपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बक्सर एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बक्सर एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साहेब, बक्सर पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय, बक्सर पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बक्सर पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय जय भीम। आजाद पासवान के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। आजाद पासवान के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। आजाद पासवान के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। आजाद पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आजाद पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बक्सर एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बक्सर